नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs के बारे में। दोस्तों मैं संदीप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटर इंसास में। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 3W, जिसके पिछले साल 2022 में 60,260 यूनिट्स सेल हुए थे। दोस्तों इस कार ने पिछले साल 2022 में बहुत अच्छी सेल की है। यही बात करूं 2021 की, तब ये कार 47,432 यूनिट्स सेल हुए थे। अगर इस कार के प्राइस की बात करूं तो 8,41,000 से लेकर 14,07,000 तक जाता है। दोस्तों 9वें नंबर पर आती है महिंद्रा की ये दो कार्स, स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक। ये इन दोनों कारों का कंबाइंड डेटा है जो पिछले साल 2022 में 64,179 यूनिट्स सेल हुए थे। दोस्तों स्कॉर्पियो एन आने से महिंद्रा की सेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ावा आया है। अगर यही बात करूं 2021 में तो सिर्फ स्कॉर्पियो क्लासिक के 36,945 यूनिट्स सेल हुए थे। अगर दोस्तों इन दोनों कारों के प्राइस की बात करूं तो स्कॉर्पियो एन का प्राइस 11,99,000 से लेकर 23,90,000 तक जाता है। अगर स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइस की बात करता हूं तो 11,99,000 से लेकर 15,49,000 तक जाता है। दोस्तों 8वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 7W, जिसके पिछले साल 2022 में 65,371 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों सेल 2022 में इस कार की बहुत अच्छी रही। अगर उससे भी पिछले साल 2021 की बात करता हूँ तब इस कार ने 11,964 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों अगर इस कार के प्राइस की बात करूं तो 13,45,000 से लेकर 24,95,000 तक जाता है। दोस्तों 7वें नंबर पर आती है महिंद्रा की ये दो कारें, बोलेरो नियो और बोलेरो। इन दोनों कारों ने 2022 में 94,332 यूनिट्स सेल किए थे। 2022 में दोस्तों इन दोनों कारों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर उससे भी पिछले साल 2021 की बात करूं तब ये कार 65,313 यूनिट्स सेल हुए थे। और दोस्तों इन दोनों कारों के प्राइस की बात करूं तो बोलेरो का प्राइस 9,53,000 से लेकर 10,48,000 तक जाता है और बोलेरो नियो का प्राइस 9,48,000 से लेकर 11,99,000 तक जाता है। दोस्तों 6वें नंबर पर आती है किया की सेल्टोस, जिसके पिछले साल 2022 में 101,569 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों 2022 में इस कार की भी सेल बहुत अच्छी रही। अगर बात करूं उससे भी पिछले साल 2021 की, तब ये कार 98,147 यूनिट्स सेल हुए थे। दोस्तों ये कार मार्केट में चल रही जैसे क्रेटा, टोयोटा हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को बीट करती है। और दोस्तों इस कार के प्राइस की बात करूं तो 10,69,000 से लेकर 19,15,000 तक जाता है। दोस्तों 5वें नंबर पर आती है ह्युंडई की वेन्यू, जिसके पिछले साल 2022 में 1,20,703 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों 2022 की बात करूं तो इस कार ने बहुत अच्छी सेल की है। अगर यही बात करूं उससे भी पिछले साल 2021 की, तब इस कार ने 1,08,007 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों और ये कार मार्केट में चल रही जैसे XUV 7W और सोनेट और ब्रेज ऐसी कारों को कॉम्पीट करती है। दोस्तों इस कार के प्राइस की बात करें तो 7,62,000 से लेकर 12,86,000 तक जाता है। दोस्तों 4th पोजीशन पर आती है टाटा की पंच, इसके पिछले साल 2022 में 1,29,895 यूनिट्स सेल हुए थे। दोस्तों 2022 कार का भी बहुत अच्छा रहा। अगर यही बात करूं 2021 की, तब इस कार ने 22,571 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों ये कार मार्केट में चल रही जैसे मारुति स्विफ्ट और सिट्रन C3 जैसी कारों को राइवल करती है। दोस्तों इस कार के प्राइस की बात करें तो 6,00,000 रुपए से लेकर 9,54,000 तक जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आती है मारुति की ब्रेजा, जिसके पिछले साल 2022 में 1,30,363 यूनिट्स सेल किए थे। दोस्तों इस कार ने भी बहुत अच्छी सेल की 2022 में। अगर यही बात करूं 2021 की सेल्स की तो इसने 1,15,962 यूनिट्स सेल किए थे। और दोस्तों ये कार मार्केट में चल रही जैसे सोनेट, वेन्यू, XUV 3W जैसी कारों को राइवल करती है। और दोस्तों इस कार के प्राइस की बात करूं तो 7,99,000 से लेकर 96,000 तक जाता है। दोस्तों दूसरे पोजीशन पर आती है ह्युंडई की क्रेटा, इसके पिछले साल 2022 में 1,40,895 यूनिट्स सेल हुए थे। दोस्तों इस कार का भी 2022 बहुत अच्छा रहा। अगर यही बात करूं उससे भी पिछले साल 2021 की, तब इस कार ने 1,25,437 यूनिट्स सेल किए थे। और दोस्तों ये कार सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर जैसी कारों को कॉम्पीट करती है। अगर इस कार के प्राइस की बात करूं तो 10,64,000 से लेकर 18,68,000 तक जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस कार की जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, वो है टाटा नेक्सॉन, जिसकी पिछले साल 2022 में 1,68,278 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करते हैं 2021 की, तब इस कार ने 1,08,577 यूनिट्स सेल किए थे। और दोस्तों ये कार मार्केट में चल रही जैसे वेन्यू, सोनेट, XUV 3W, ब्रेजा जैसी कारों को कॉम्पीट करती है। और दोस्तों इस कार का प्राइस 7,69,000 से लेकर 14,18,000 तक जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।